हाय गाइस, और अभी बज रहे दोपहर के 1 एंड मेरे लिए आज क्रिसमस लुक है मेरा ये एंड दिस अमेजिंग टॉप विद अवी अमेजिंग मैं लुक। क्रिसमस करने तो गई। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिश्चियंस हो हिंदू हो सभी को, क्योंकि ऑब्वियसली त्योहार तो सारे होते हैं लेकिन छुट्टी बच्चों को सबको मिलती है। ओके मुझे मजा नहीं आती है। मिली, मुझे स्कूल की मिली क्रिसमस वेकेशन, बट मुझे ट्यूशन की वेकेशन हम दोनों को मिली, नहीं मिली। क्रिसमस हम दोनों को मिली। मुझे ट्यूशन की नहीं मिली, मुझे ट्यूशन की नहीं मिली। वाइब्स। अच्छा, और ये टॉप मैंने पहना है, ये लास्ट ईयर मैंने पहना था, अगर आपको याद है तो। लास्ट ईयर हम गोवा जा रहे थे इस टाइम पे, एंड लास्ट ईयर को 26 को जा रहे थे, और आज बहुत पैकिंग थी इसलिए हम क्रिसमस के दिन कहीं नहीं निकले थे। ये बार निकलने वाले हैं, एंड हमने आंटी को एक क्रिसमस गिफ्ट दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या दिया है, और देखो आप हमने क्या दिया उनको गिफ्ट। ये आंटी को मैंने हमने ये स्वेटर दिया है क्रिसमस गिफ्ट में। उनको ना मतलब एक स्वेटर चाहिए था, उनको उनका जो दूसरा स्वेटर है ना वो गीला हो जाता है तो उन्हें धोना पड़ता है, तो फिर ये दे दिया हमने उनको, बोला कि जब वो धुलेगा तो आप ये पहन लेना। फरी ने बताया आंटी। अच्छा आ गया आंटी को, है ना आंटी। अच्छा हो गया बेटा। मम्मी ने मेरे लिए क्रिसमस गिफ्ट मंगाया, एक प्यारा सा स्वेटर। मुझे ना एक्चुअली मैंने मम्मी को बोला कि मुझे कुछ ठंड के कपड़े चाहिए, क्योंकि ये बार बहुत ठंड है। हर साल थोड़ी बहुत तो होती है यहाँ पे जितनी अभी है, और मेरे पास हर साल होते ही है ठंड के कपड़े। लास्ट ईयर तो मैं कहीं गई नहीं थी, लेकिन अब मुझे हर रोज़ सुबह में 7 बजे ट्यूशन जाना पड़ता है और मुझे बहुत ठंड लगती है। इसलिए मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हमने बहुत टाइम से सर्दियों के कपड़े नहीं खरीदे, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स हो गए, हमने सर्दी का कुछ भी नहीं खरीदा सिवाय डेनिम जैकेट्स। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने मेरे लिए एक ये स्वेटर मंगाया ब्लैक कलर का, और एक ये पोल्के डॉट्स वाला मंगाया। सुंदर है ना, अभी और आई हुआ क्रिसमस के दिन। एंड मैंने मम्मी को एक्चुअली ये ना मम्मी को एक हॉल में दिखाना है, और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे क्रिसमस गिफ्ट क्या दोगी, तो मम्मी ने कहा तुझे पसंद आ रहा है, मैंने कहा हाँ, तो मम्मी ने कहा ठीक है रख ले। और मम्मी ने खुद को भी एक क्रिसमस गिफ्ट दिया है, वो मैं दिखाऊंगी नहीं क्या है, मम्मी खुद ही पहन के दिखाएगी आपको जब भी वो वीडियो आएगा, तो देखना मत भूलना। और बस अभी रात का वक्त हो गया है और मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मेरी वॉच ढूंढ रही हूँ, कई सारी चीजें ढूंढ रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को जाना है। एक तो विवेक के ना एक रिलेटिव है यहाँ पे, यहाँ पे आज उनकी बेटी की शादी का वो है, क्या बोलते हैं उसे, डीजे रखा हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पे जाना है तो, और बच्चों को भी थोड़ा सा बाहर लेके जाना है, तो मैं रेडी हुई हूँ ये वाली ड्रेस डाल के, क्योंकि डीजे ही है ना तो उसमें साड़ी की तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं बैंगल्स ज़रूर पहन रही हूँ, बैंगल्स पहन के जा रही हूँ, और साथ में इयररिंग तो नहीं डाल रही मैं, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है, और बीबी क्रीम लगा के रेडी हुई हूँ मैं, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाई है मैंने, और ये सूट बहुत ही सुंदर है, ये मैंने आपको फ्लिपकार्ट के एक हॉल में दिखाया है, और तकिए सब ऐसे वैसे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विवेक जी जो है आराम करे, मैंने स्लिप गिरा दिया। मैं सूट का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, ऐसे स्टाइल है, तो इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स वाली ब्रा पहनी हुई है क्योंकि वही चलेगी इसमें। ये जो चुन्नी है दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, प्यारी सी चुन्नी है, तो इसको मैं इस साइड ले लेती हूँ, और ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो फंक्शन है हमारे ससुराल की साइड है, मतलब कि ससुराल वाले लगते हैं वो, मेरे हमारे घर के पास ही रहते हैं, और विवेक के साइड के ही कुछ रिलेटिव्स हैं दूर के साइड के, लेकिन हुए तो ससुराल वाले ना, तो इसीलिए ये ड्रेस मैंने डाला है। फर्स्ट टाइम पहन के बाहर जाने वाली थी, लेकिन चूंकि ससुराल वाले हैं तो फिर ड्रेस ही पहनना पड़ेगा, वही अच्छा भी लगता है। साड़ी में शायद कल पहनूंगी, कल शादी है वहाँ पे, ये मेरा पूरा गेटअप है। अभी नीचे मेरे वैलीज पहनने बाकी हैं, अभी तो मैंने घर की स्लीपर डाली हुई है, ये एक प्लाजो सूट है, और अभी मैंने घर का स्लीपर डाला है, फिर डालूंगी मैं, और आज मैं बालों को ओपन करके ही जा रही हूँ क्योंकि अच्छे लग रहे हैं बाल, आज मैंने वॉश किए थे। कैसा लगा ये सूट, अच्छा लग रहा हो आपको तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरा फ्लिपकार्ट का हॉल, ये देखिए इसका स्टाइल कुछ इस तरह से है ना, प्रिटी सुंदर सा ड्रेस है, बहुत अच्छा लगता है पहन के, आप लोग भी ले सकते हो, ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, और ये AKS ब्रांड का है, एक्स ब्रांड है ना उस ब्रांड का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये,
और ससुराल के फंक्शन में आई थिंक अच्छा लगेगा सूट पहनूँ, या तो कोई हैवी सूट डाल लूँगी या साड़ी डाल लूँगी। कल वहाँ पे शादी है, आपको भी लेके चलूँगी ससुराल की शादी में। ससुराल वालों के यहाँ पे मेरे सास भी आने वाले थे लेकिन मेरे सास किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, बाकी उनको भी इनविटेशन है, वो भी आने वाली थी। मेरा देवर भी बोल रहा था आने के लिए बट किसी वजह से देवर को छुट्टी भी नहीं है ऑफिस से और इस वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर मैं और विवेक ही वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पूरे घर को, तो इसलिए हम लोग जाने वाले हैं। एंड दैट्स इट, बाकी का ब्लॉग तो आपने देख ही लिया है, तो चलिए चलते हैं फंक्शन में। 2.5 से 3 महीने बाद आज आईब्रो कराई है मैंने, तो इसीलिए चेहरा खिला खिला लग रहा है। और नीचे वाली चूड़ियाँ हैं ये वाली, ये काफ़ी अच्छी हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरा मीशो का हॉल आप चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने ये बताई हैं, बहुत अच्छी लग रही है। नेल पेंट अभी मैं सोची कुछ रिंग वगैरह और डाल लूँ, तो चलिए चलते हैं ससुराल के फंक्शन में। पहले बच्चों को थोड़ा घुमाना है, बच्चे घूमने के लिए बोल रहे हैं कि मम्मी बाहर जाना है बाहर जाना है, तो पहले बच्चों को घुमा देते हैं थोड़ा सा और इसके बाद चलते हैं ससुराल के फंक्शन में। विवेक से मिलवाते हैं, वो क्या कर रहे हैं दिखाते हैं। ऐसे चलोगे क्या डीजे में? नहीं, हम तैयार हो गए क्योंकि मेरे पापा के कुछ वो होते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, मेरे पापा के बुआ के जो है ना तो लड़के, उनकी बच्ची की शादी है और ये तो एकदम डॉल लग रही है, हमें जाना ही पड़ेगा। आज डीजे है और कल शादी है, कल सगाई थी इसलिए हम नहीं गए थे, हम लोग ना जा पाए क्योंकि थोड़ी आपकी दीदी बहुत बिजी थी, और दूसरी बात कि कल तो शादी में जाना पड़ेगा, हमारे मराठी में शादी सुबह में होती है, यानी टाइम है 11:37 तो वी हैव टू एटलीस्ट 10:30 या 11:45 के बीच में हमें वहाँ जाना है, हम लोग टाइम पे शादी पे नहीं जा सकते हैं तो जाना पड़ेगा। अब आप फिलहाल रेडी हो जाओ, पहले इन्हें घुमा लेते हैं थोड़ा सा, ये बच्चा कच्चा घूमने चाहते हैं थोड़ा, क्रिसमस है तो भाई उनको भी ऐसा है कि थोड़ा घुमाए हमें। मुँह सड़ा हुआ है कि झगड़े हो तुम लोग, बाप बेटी झगड़ लिए, झगड़े भी हैं इन लोगों में ना बहुत। आज मैं आपको बताया इसमें बहुत झगड़ा होता है दोनों में, बाप बेटी में, रियल लाइफ में आपको नहीं पता है। हम दोनों वो टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी का वो पार्ट जो हमेशा झगड़ता रहता है, और वो टॉम एंड जेरी का वो पार्ट जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तुम और ये, मैं और अभी। अच्छा देखो वो कैसे मुंह बना रहे हैं, देखो अभी भी लड़ रहे हैं, ये कैमरा पे भी लड़ रहे हैं, मतलब लड़ाकू हो चुके हो विवेक तुम सच्ची में, बहुत ही लड़ाकू, और एक दिन तेरे साथ भी लड़ाई करने वाला हूँ, तो तैयार रहना। ओ माय गॉड, सीरियसली बोल रहा हूँ, ऑनलाइन धमकी दी जा रही है, ऑनलाइन कैमरा पे, बहुत थोड़ा दूर नहीं है, एक दो दिन में। क्यों क्या हुआ, मैंने तुम्हारा क्या भैंस उखाड़ ली? भैंस नहीं, बहुत कुछ उखाड़ लिया, बाद में बात करेंगे इस पॉइंट पे। ओ माय गॉड, अब तो मुझे डर लग रहा है, मैं डर गई। चलो अभी तैयार हो जाओ। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर है। ससुराल के यहाँ का फंक्शन है तो फिर सूट ही पहनना पड़ेगा ना, मैं वेस्टर्न पहन के बाहर घूमने जाने वाली थी पर ये बोले नहीं भाई ससुराल का फंक्शन है तो सूट ही चलेगा। सही बात है, तैयार हो जाओ, शर्ट चेंज कर लो, इसमें नहीं लेके जाऊंगी आपको, जींस भी चेंज कर लो। हाँ तो चलो, मुझे तो तैयार करवा दिया, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ ये बाद में रेडी होते हैं, इनका हमेशा का ड्रामा है ये। विवेक आपका हमेशा का हो गया है ये, दिस इज नॉट फेयर बेबी, सॉरी। चलिए तैयार हो जाइए। और प्रिशा मैडम को ज्यादा ही स्वीट क्यूट और क्वीट लग रही है, क्वीट मतलब जब क्यूट से मन ना भरे ना तो क्वीट बोलने का मन करता है, तो मेरा क्वीट जैसे स्वीट वैसे क्वीट, यानी क्यूट का स्वीट, हाँ क्यूट प्लस स्वीट दोनों आ गया, तो तुम वो लग रही हो सच्ची में, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और देखो पापा घूर रहे हैं तुम्हें, देखो अभी प्रिशा के एक्सप्रेशन देखिए, अभी अगर वो मैं ऐसे अच्छे मूड में तो बोलते हैं पीना भी पड़ेगा तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ क्या मुझे तब तक वो पीना पड़ेगा। इनके ना एक वॉश मतलब डॉक्टर ने एक दवाई दी है जो इनको रोज़ पेट क्लियर करने के लिए लेनी पड़ती है आफ्टर ऑपरेशन, तो इसमें क्या बुराई है, पर अगर लेनी भी पड़ रही है तो आप ही मुझे बताओ। हाँ विवेक, इसको लेके भी डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मैं क्या जिंदगी भर ये दवा खाता रहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर ने बोला है उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखो वॉच हम दोनों की सेम, तुमने पहन ली दवाई सेम, तैयार हो गई, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, इधर आओ तुम, इधर आओ, मैं वहाँ जाके बाल खोलने वाली हूँ। इन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी है, जीन्स पहना है, और ऐसे ये निराश नहीं होते बेबी, हाँ होता है वो थोड़ा, क्या हमेशा की दवाई हो गई है ना तो इनको लगता है हमेशा खानी पड़ेगी, पर क्या फ़र्क पड़ता है, डॉक्टर कह रहे हैं उसका कोई आड़ असर मतलब कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, बिंदास रहने का ना, बी बिंदास बेबी, मेरी लॉक ले लो। सब रेडी हो चुके हैं बेबी के, चप्पल साइड पे, ये शूज पहन रहा है बेबी, बहुत दिन बाद निकाले मैंने, हाँ
चाबी लिया अपने गाड़ी का? लॉक कौन लगाने वाला है? मास्क लिया सबने अपना? पापा मैं पापा बोलने वाली थी अभी, और मेरा पापा का पैचअप हो गया, पैचअप हो गया इन लोगों का ना। पता है आपको, इनके झगड़े में मैंने बीच में पढ़ना इसीलिए छोड़ दिया, क्योंकि इनका तो बहुत होते झगड़े, जब नहीं होते तो हम दोनों बहुत साथ में रहते नहीं। और पता है क्या, इनका झगड़ा होता है और अगर बीच में मैं आ जाऊँ ना तो मैं बेवकूफ बन जाती हूँ, क्योंकि ये लोग दो तीन घंटे बाद एक हो जाते हैं। अब जो बीच में बोले वो पागल। अभी लॉक ले लेना बेटा। मेरा और मम्मी का झगड़ा था तो पापा बोलते हैं बीच में, मुझे डांटते हैं विशा तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती होती है हमेशा, मम्मी बहुत समझदार है। और मम्मी को पटा रही है, मम्मी को तो मैं 5 मिनट में पटा देती हूँ, 5 मिनट में बस रोने की देर, रोने आंसू आंसू निकल जाते हैं ना, तो मम्मी तुरंत मान जाती है, मम्मी को जाके मम्मी सॉरी कुछ हमारे जो सीक्रेट वर्ड्स हैं मैं मम्मी को बोलती हूँ। ये हम माओं की कमजोरी होती है, और इन लोगों को माओं की कमजोरी बहुत अच्छे से पता होती है, जिसका ये फुल फ्लैश फायदा उठाते हैं। तुम लॉक लगाओ। क्या बोला तुमने? देखिए इसका फ्रेंड आया हुआ है यहाँ पे, इसके फ्रेंड के साथ बातें हो रही है यहाँ पे। कौन सा बड़ा वाला? हाँ बड़ा वाला लॉक। आज हमें घर पे आते काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी बच गए हैं 8। अभी पहले हम लोग कुछ बच्चों को खिलाएंगे बाहर। चाबी ऊपर टंगी हुई है, ऊपर टंगी है, ऊपर की होल्डर पे। कौन सी वाली? वो चौड़ी वाली है ना, बड़ी ब्लैक कलर की, रेड वाली। विशा के ऊपर ये रेड टॉप अच्छा लग रहा है, मैं भी कुछ रेड पहनने का सोच रही थी, लेकिन मेरा रेड ड्रेस मुझे मिला नहीं सिल्क वाला। ड्रेस कोड था ये रेड और ऊपर रेड कैप सेंटा वाली, वो तो नहीं थी मेरे पास, मैंने ये पहन लिया। चल लॉक लगा, बहुत प्यारी लग रही है। ये बुलबुल जैसे बाई की थी हम लोगों ने, बुलबुल शॉप में फ्रेंड्स की बातें खत्म नहीं होगी। चले अभी या बातें करता रहेगा? बातें करते रहोगे? वो बोल रहे हैं गुजराती में थे, हाय करो, हाय कर। अगर कोई आ जाए तो जो हमारा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था नवरात्रि में, उसमें ये वो पंडित जी बना था और ये जीता था फर्स्ट प्राइज। देखो ना ब्लॉग देखो एक बार, हाँ अच्छे से हाँ अच्छे से। चलाता हो गया, बाइक चलाता हो गया ये लड़का हमारा, और ये लड़की नहीं चलाती अभी बाइक। आज पूरी सर्विस होके आ गई। अच्छा सर्विस, एक मिनट साफ कर लूँ कैमरा साफ कर लूँ। हाँ जी, हाँ गाइस, ये अभी मैंने बहुत ही खराब कंडीशन में थी बेची होगी, और विदी गुड न्यूज ये है कि अब से मेरी बीवी एक बाइक चलाएगी, क्योंकि वो तो उसको लग रहा है कि मुझे बाहर घूमना चाहिए, और उसने घूमना ही चाहिए क्योंकि उसके यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं, लेकिन लकीली उसके और पुराने फ्रेंड्स मिल गए, तो उनके साथ आपको नए नए ब्लॉग्स देखने मिलेंगे अभी से। हाँ यस यस, और ये क्या कर रहा है, इसके तो पाँव आने लग गए लड़के के। भैया लड़का बड़ा हो गया हमारा, बड़ा हो गया बेटा। ऋषा तू भी सीख जा, अब ब्रेक ठीक हो गए, मैं भी सीख जाऊंगी। मैं आपको एक फनी स्टोरी बताती हूँ। सो जब मैं इतनी थी तो पापा ने मुझे, जब हम जूनियर में रहते थे, तो बोला जूनागढ़ या पुराना घर, पुराने घर में चुप रहे धीरे से ऐसे करना, तो मुझे लगा धीरे धीरे पूरा करना है, मतलब एक्सीलेटर। हाँ मुझे ऐसे ऐसे करते, तो मैं धीरे 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 पूरा करना, और ब्रेक में मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा छोड़ने से बंद हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, बाहर में जाने वाले थे, पापा ने पीछे से जल्दी से ब्रेक पकड़ा और पापा तब से ऐसे कान पकड़े, इसके पीछे नहीं बैठना, ये अकेले गिरेगी। यू आर लिटरली ग्रेट बेबी। साफ हो गई। देखिए गाइस, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि आपने मुझे कभी देखा नहीं है, बट आज मैं बता देती हूँ, ये मेरी बाइक है जो मैंने खुद बाई की थी और जो अब विवेक भी चलाते हैं, और ये मेरी एक्चुअली देखा जाए तो है मेरी 2011 से है ये। हाँ एक्टिवा है, 10 साल की हो गई है, इसने बहुत साथ दिया है, और अब तो मेरे साथ साथ विवेक भी इसको चलाते हैं, क्योंकि मैं तो चलाती नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे शायद कभी नहीं देखा होगा, पर आपको नहीं पता है कि मैं बाइक चलाती हूँ, गाड़ी नहीं चलाती पर मैं बाइक चलाती हूँ। अंदर रख दो बेटा, कहाँ से, थोड़ा साइड से रख दो, नंबर प्लेट वगैरह निकल चुकी है। क्या हालत कर दी विवेक ने मेरे बाइक की, जैसी मेरी हालत कर दी इन्होंने, वैसे मेरे बाइक की हालत कर दी है। ये हमने कहीं और से ली थी, कोई और ब्रांड से, तो नंबर प्लेट तभी की लगी हुई है। वाओ आ गया तुम्हारा फोटो, चलो फोटो खींच लिया मैंने, चलो तो यहाँ पे हम आए हैं प्लम केक की तलाश में, 2-3 जगह पूछ के लास्ट में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि क्रिसमस है, हर साल प्लम केक खाते हैं, इस बार भी इनको खाना है।
नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। कब से लोग प्लम केक ढूंढ रहे हैं, लोग को कहीं नहीं मिल रहा। नहीं, क्रिसमस में प्लम केक ही खाने को नहीं मिल रहा। किस्मत में नहीं है, लाओ पैसे दे दो। इन लोग की किस्मत में आज प्लम केक नहीं है। हर क्रिसमस पे लोग प्लम केक खाते हैं। तो ये है हमारे नवसारी का एकमात्र चर्च जो बहुत सुंदर सजता है आज के दिन। मैं यहाँ से कैसे दिखाऊं, दिख नहीं रहा, जरा भी नहीं दिख रहा, बट अंदर से बहुत सुंदर से जाते हैं। हम लोग अंदर तो नहीं जाते हर साल, लेकिन यहाँ बाहर से जरूर हम लोग क्रॉस होते हैं दिख रहा है। सब देखने के लिए दिखो, 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 दिखो। वाओ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है सच्ची में। यहाँ पे ना हर बार बहुत डीजे होता है, बहुत बढ़िया से। हाँ, ये अभी कोरोना की वजह से शायद नहीं है, सारे यंगस्टर से पार्टी होती है, लेकिन ये बार नहीं है कोविड की वजह से। बाकी यहाँ पे होता ही है कुछ ना कुछ, बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ होता है। और यहाँ देखो आप, यहाँ पे उबाड़ियों मिल रहा है। ये उबाड़ियों उबाड़ियों जो है ना, यहाँ का बहुत फेमस एक चीज है। आपको कभी बताएंगे, कभी दिखाएंगे जब जाएंगे हम खाने के लिए। ये यहाँ की एक मॉल है, सेंट्रल बाजार नाम से मॉल है, जिसमें कुछ रेनोवेशन चल रहा है। यस, रेनोवेशन चल रहा है। और हम अभी जा रहे हैं यहाँ से आगे ना एक जगह, एक्चुअली ना किसी को खाना खाने का मन नहीं है, सबको ऐसे कुछ लाइट खाने का मन है। तो फिर हम लोग जा रहे हैं टी पोस्ट करके एक जगह है। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा का मूड नहीं है एक्चुअली, बाकी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो बहुत है यहाँ पे। लापिनो है, देन डोमिनोज है, सबवे है, यूनिब्रू है, बट हमें पिज़्ज़ा नहीं खाना, मैदा की कोई चीज़ नहीं खानी। तो भी हम लोग जाएंगे अभी टी पोस्ट करके, यहाँ पे एक जगह है और भी दो तीन जगह उसके पास ही है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे एक फूड हब जैसा बना हुआ है लुंसी कुई एरिया से आगे, जहाँ पे कई सारे आउटलेट हैं, डी पिज़्ज़ा, देन टी पोस्ट। तो आज मैं टी पोस्ट ट्राई करने वाली हूँ। यहाँ की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है कि यहाँ पे जो टिपिकल गुजराती खाना होता है ना, मतलब चीज़ें होती हैं ना नाश्ते वाली, जैसे कि हांडवा, फिर क्या बोलते हैं, थेपला मेथी का, मतलब मेथी के पराठे, इसका बिल्कुल ऐसा घर जैसा होमली फूड मिलता है। इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से फिर हम जा रहे हैं ससुराल के फंक्शन में, तो व्लॉग पे बने रहना, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। तो काफ़ी अच्छा सा इंटीरियर था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और क्रिसमस के दिन हर साल वैसे हम इन्हें बाहर लेके जाते हैं, भाई बच्चों को थोड़ा लगना तो चाहिए ना कि कोई चीज़ है, कहीं ले जाओ तो ही लगेगा ना कि कुछ है। तो यहाँ ये दोनों बैठे थे, दोनों ने ग्रीन ग्रीन पहना हुआ है आज, और मैंने अभी को बोला तू रेड टी शर्ट पहन ले, तो कि नहीं मम्मी मैं नहीं पहनूंगा। बहरहाल ज़िद करने के बाद अभी के फ्रेंच फ्राइज़ आए हैं, बट हम लोग जो खाने वाले हैं वो त्रिशा के सामने थेपला रखा हुआ है। एक प्लेट थेपले में कुछ तीन थेपले थे और साथ में सॉस था, और इनके यहाँ चाय इतनी तरह तरह की, इसीलिए इसका नाम है टी पोस्ट। आई थिंक इसके फ्रेंचाइजी हैं। और ये है हांडवा, इसे हांडवा कहते हैं, जो कि लोग घर में भी बनाते हैं गुजराती पीपल, और ट्रस्ट मी यहाँ का बिल्कुल ऐसे था जिसे घर में बनाया जाता है, इतना टेस्टी था पूछो मत। और अब हम आगे थे यहाँ ससुराल के फंक्शन में, यहाँ पे आज है डीजे पार्टी और कल है शादी, तो शादी का व्लॉग भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और ये बहुत सारे लोगों को तो मैं नहीं पहचानती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मैं पहचानती हूँ। ये लोग सब गरबा खेल रहे थे और मुझे भी ऑफ़र किया था, पर मैं नहीं गई थी, मेरे पाँव में दर्द था। तो ये सारे लोग गरबा खेल रहे हैं, तो ये जो पर्पल लहंगे में है ना सुंदर सी लड़की, बस यही है ब्राइड। तो कैसी लगी सुंदर सी ब्राइड? और ये विवेक की बुआ की तरफ के लोग हैं, मतलब बुआ, मतलब मुझे भी प्रॉपर रिश्ता तो नहीं पता, पर पापा की बहन, मेरे ससुर जी की बहन के बच्चे हैं या कुछ ऐसा रिश्ता लगता है। और ये है लड़का, ये जो बीच में बैठा है, ये ग्रूम है, ग्रे कलर के उसमें बैठे हुए हैं ना, ये ग्रूम है। उनके जस्ट पीछे मैं बैठी हुई हूँ, मैं और प्रिशा, अगर आप देख सके तो। तो ये सारे लोग हमारे मराठी पीपल ही हैं, जो कि विवेक के साइड के हैं, और सभी मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। यहाँ आपने मुझे पहले भी देखा होगा, यहाँ गणपति मंदिर भी है जहाँ पर हम हमेशा आते हैं। तो ये ब्राइड बहुत ही क्यूट है, आपको कैसी लगी आज की ब्राइड जरूर बताना। ये पर्पल कलर का उन्होंने लहंगा पहना हुआ है और मेकअप भी इतना प्यारा था, बहुत सुंदर लग रही थी। ये बच्ची को मैं काफ़ी सालों से, छोटी सी थी तब से देखती आ रही हूँ। देखो कैसे वक्त निकल जाता है, लड़कियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। और यहाँ विवेक जो है, मैं तो घर जा चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और ये विवेक के फ्रेंड हैं जो एक फोटोग्राफर हैं और रिलेटिव भी हैं, ये भी मराठी ही हैं, मतलब हमारे कास्ट से ही हैं। और यहाँ पे ये लड़का जो है, ग्रूम जो है, वो गरबा खेल रहा है और बड़ा ही स्माइलिंग था ये, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। जोड़ी बहुत प्यारी लगी, आपको जोड़ी कैसी लगी? दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाकी कल मैं आपको दिखाऊंगी मराठी वेडिंग कैसे होती है, जितना मैं अटेंड करूंगी आपको जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे लास्ट में जो वो होता है ना सब डांस वगैरह, लेकिन तब तक मैं घर जा चुकी थी क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी थी और मेरे पाँव में भी बहुत दर्द था। तो बस
इस तरह से कुछ आज का व्लॉग रहा हमारा, क्रिसमस का डे ऐसे रहा। क्रिसमस के दिन बच्चों को घुमाया भी, क्रिसमस भी मनाया। हम लोग चर्च में नहीं जा सके लेकिन बाहर से ज़रूर बच्चों को दिखा दिया, और बाद में ससुराल का फंक्शन भी अटेंड किया। इस साल मैंने एक्चुअली कोई फंक्शन ही अटेंड नहीं किया, ससुराल से यही फंक्शन था। तो आई होप आपको पसंद आया हो ये व्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।